बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। टुडे इज़ अवर वीडियो फॉर क्लास 8 चैप्टर, इसका सेकंड है रियल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज आज हम 2.2 करेंगे। इसका क्वेश्चंस फर्स्ट है और बहुत ज़्यादा इजी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ये, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर फाइंड करना है, जो 6 में भी हमने सीखा है, 7 में भी सीखा है, बहुत आसान है। तो मैं आपको इसको भी ईजी वे में करवा देती हूँ। ये भी सेम वैसे ही करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 7, क्योंकि हमने फॉलोइंग नंबर्स करना है। तो फॉलोइंग नंबर में हमारे पास फर्स्ट में ही क्या है, 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 की पावर में छोटा सा 2, ये लिख दिया हमने। अब 7 स्क्वायर, जब भी हमारे पास किसी वैल्यू के ऊपर 2 होता है, यानी कि उसकी पावर 2 होती है, या कोई भी हमारे पास पावर में नंबर होता है, तो हम उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि इसी को स्प्लिट किया कितनी दफ़ा, जितनी उसकी पावर थी। फर्ज करें यहाँ पे 3 होता तो मैं इसको 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करती। तो यहाँ पे 2 टाइम था तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 7 7 49, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। सेकेंड पार्ट जो है वो 11, हमने 11 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्क्वायर ऑफ 11 और हमें पता भी है कि हम उसको पावर में 2 लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो अब 11 को क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एग्जैक्टली जो इसका मीनिंग ये है कि हम उसी नंबर को जिसका स्क्वायर होता है, हम उसी नंबर को 2 टाइम, यानी कि जितनी पावर होती है उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो सिंपली अगर हमने वो मल्टीप्लाई किया तो 121 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। थर्ड जो इसका पार्ट है, 19 का स्क्वायर लेना है। तो सेम मैंने मैकेनिज्म जो फर्स्ट में यूज़ किया था वही लिख लिया, स्क्वायर ऑफ 19 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँ ना 19 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करके 9 के ऊपर ओनली 2 समझेंगे। वैसे एग्जैक्टली हम लिखते ऐसे ही है 19 और 2, यानी कि ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये 19 का ही स्क्वायर है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, 19 को 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आया है 361। तो हम सिंपली लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 19 इज 361। सेकेंड जो फोर्थ है वो 25 का हमने लेना है। तो 25 का स्क्वायर का मतलब है कि 25 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आया, 625 इज 625। 37 का स्क्वायर लेंगे तो हम क्या करेंगे, 37 को 37 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 37 को 37 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1369। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 37 इज 1369। ये हमारे पास आंसर आ गया।